प्रिय छात्रगण, हाल फिलहाल में आपने देखा ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक किया है और दोनों ने एयर स्ट्राइक करने का मूल कारण बताया संप्रभुता का हनन। इसके बीच में अफगानिस्तान, इसके बीच में बलूचिस्तान का मुद्दा है। वास्तव में बलूचिस्तान का प्रशासनिक क्षेत्र तीन भागों में बटा है। नंबर वन, दक्षिण पूर्व बलूचिस्तान और सिस्तान ईरान का भाग है। दक्षिणी बलूचिस्तान अफगानिस्तान का भाग है और दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग है। बलूच जाति के लोगों का मानना है कि बलूचिस्तान मेरा है। इन लोगों ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया है, इसलिए अब हम इनके लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहते हैं और इसका नाम ग्रेटर बलूचिस्तान रखा जाएगा। पाकिस्तान में जैश अल अदल नामक एक सुन्नी आतंकवादी संस्था है। ईरान का कहना है कि यह संस्था पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित संस्था है। सुन्नी आतंकवादी संस्था ने अर्थात जैश अल अदल ने ईरान के पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी में 11 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप ईरान ने अपनी संप्रभुता शक्ति का हनन बताया और इसके बदले की भावना से ईरान ने पाकिस्तान के जैश अल अदल आतंकवादी संस्था पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को बुरा लगा, पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला कर दिया। अब दोनों देशों के बीच में यह तनाव काफी बढ़ता जा रहा है। चीन का कहना है कि दोनों देश अपना संयम बरतें, लड़ाई से नहीं आपसी विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का जरिया अपनावें। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को दोषी ठहराया है। ईरान एक ही साथ हिजबुल्ला को, हमास को और इधर अन्य संस्था को, मदद आतंकवादी संस्था को मदद कर रहा है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। हालांकि यह मामला ईरान और पाकिस्तान का है, यही मूल विवाद का कारण है।